श्री जी वी वी शर्मा जी, श्री गीतेश शर्मा जी, श्री सत्यनारायण प्रधान जी, संघाई सहयोग संगठन देशों के उपस्थित राजदूत, संघाई सहयोग संगठन अभ्यास में भाग लेने आए हुए सभी प्रतिभागीगण, भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्रालय की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। शहरी भूकंप सर्च और बचाव विषय पर संघाई सहयोग संगठन के देशों के संयुक्त अभ्यास के उद्घाटन में आप सबके बीच मौजूद होकर मुझे बहुत खुशी और हर्ष हो रहा है। यह इस विषय पर एक वर्ष से अधिक की बातचीत और हमारे देशों के बीच के सहयोग का परिणाम है। भारत बहुआयामी राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक संबंधी विषयों पर परस्पर बातचीत को बढ़ावा देने में शांघाई सहयोग संगठन SCO को एक विशेष महत्व देता है। डेढ़ दशक से ज्यादा समय से भारत शांघाई सहयोग संगठन से जुड़ा हुआ है। 2005 से भारत पर्यवेक्षक देश के रूप में SCO में अहम भूमिका निभाता रहा है और 2017 की 70वीं शिखर बैठक में इस संगठन के विस्तार की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण चरण के तहत भारत SCO का पूर्ण सदस्य बना। SCO के इस समय दुनिया का शायद सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन होगा। SCO की वैश्विक जनसंख्या का 40%, वैश्विक GDP का लगभग 20% और विश्व के कुल भूभाग का लगभग 22% का प्रतिनिधित्व करता है। आज SCO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विकसित हुआ है। SCO ने सभी सदस्य देशों के साथ सहयोग में सामंजस्य बिठाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच, मतलब कि प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कर्गिस्तान की राजनीति में राजधानी बिश्केक में SCO के 19वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए साझा क्षेत्र में संपर्क को और बेहतर करने की जरूरत पर बल दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने SCO सदस्यों के लिए क्षेत्रों में सहयोग के लिए हेल्थ का मंत्र दिया था। यह 6 क्षेत्र है, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, वैकल्पिक ऊर्जा, साहित्य, आतंकवाद की रोकथाम और मानवीय सहयोग। ये मुद्दों पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाने का आह्वान श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आज का यह संयुक्त अभ्यास हेल्थ के मंत्र में जो अंतिम H है उसका प्रतिनिधित्व करता है, माने मानवीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के सभी नागरिकों की ओर से SCO के सभी सहयोगी देश कजाकिस्तान, चाइना, कर्गिज रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन और द रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। अगस्त 2017 में SCO के भारत में शामिल होने के बाद मेरे सहयोगी अभी देश के रक्षा मंत्री और उस वक्त के गृह मंत्री जी ने आपात स्थितियों की रोकथाम और उनके निवारण के बारे में कर्गिस्तान में हुई SCO के देशों की सरकारी विभागों के प्रमुखों की 9वीं बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में हमने ये प्रस्ताव किया था कि भारत शहरी भूकंप सर्च और बचाव विषय पर एक संयुक्त अभ्यास आयोजित कर सकता है। हमारे प्रस्ताव का सभी SCO के राष्ट्रों ने दिल से स्वागत किया था और मुझे जानकर खुशी हो रही है कि संयुक्त अभ्यास का यह विचार आज साकार होने जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के सभी SCO देशों का उनके द्वारा दिखाए गए जोश और उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे यह बताया गया कि नवंबर में एक प्रारंभिक बैठक की गई थी, जिसके बाद इस वर्ष फरवरी के शुरू में संयुक्त अभ्यास नियंत्रण संबंधी बैठक की गई। मैं जानता हूं कि ये दोनों बैठक दोस्ती की भावना और उद्देश्य के साथ हुई, जहां हमने इस अभ्यास के सुगम आयोजन के लिए संयुक्त रूप से एक व्यापक एजेंडा तैयार किया था। सहयोग की यह भावना इस संयुक्त अभ्यास की सफलता और इसके बाद की कार्रवाई के लिए शुभ संकेत है। SCO के नए सदस्य के रूप में भारत इस अभ्यास के लिए आप सबके समर्थन और सहयोग को देखकर बहुत खुश है। मित्रों,
यह अभ्यास हमारे देशों में आपदा प्रतिरोधी क्षमता का निर्माण करने के लिए की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वर्ष 1996 से वर्ष 2015 की अवधि के दौरान एससीओ देशों में प्राकृतिक आपदाओं से लगभग 3 लाख लोगों की जान गई है। इसमें से 2 लाख से अधिक लोगों की जान भूकंप से गई है, जो एससीओ देशों में आपदा से होने वाली मौतों का 2/3 हिस्सा है। इसलिए भूकंप के खतरे से निपटना एससीओ देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। इस पृष्ठभूमि में शहरी भूकंप सर्च और बचाव कार्रवाई के विषय पर यह संयुक्त अभ्यास हमारी सामूहिक तैयारी में सुधार करने में बहुत उपयोगी होगा। भूकंप के बाद की कार्रवाई में समन्वय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करने के लिए अतिरिक्त उसके प्रतिभागी टीम के सदस्यों के बीच उस समय निजी जानकारी और मित्रता होने में भी से भी हमें मदद मिलेगी। जब उन्हें आपदा की स्थिति से निपटने के लिए मिलकर कार्रवाई करनी होगी, उस वक्त ये साझा अभ्यास बहुत काम आएगा। आपदा के खतरे से निपटने में हमारी संयुक्त कार्रवाई के व्यापक प्रभाव भी होंगे। लगभग 40% मानव आबादी हमारे देशों में रहती है। हम सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम आपदाओं और आपात स्थितियों के प्रभाव को रोकने और कम करने में सफल हो पाते हैं तो विश्व स्तर पर भी इसके बहुत लाभ होंगे। आपदाओं से होने वाली हानि को कम करने से संबंधित किसी भी वैश्विक लक्ष्य को, चाहे वे सैंडी फ्रेमवर्क में निर्धारित हो अथवा स्थायी विकास के लक्ष्यों में निर्धारित हो, 2030 तक तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें एससीओ देशों द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता। अतः इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में हम आपदाओं से होने वाली मौतों की संख्या में कमी करने और अन्य नुकसानों को कम करने की दिशा में समन्वयित प्रयास कर रहे हैं। हाल के दिनों में फेलिन, हुदहुद और फोनी जैसे 3 बड़े चक्रवातों से प्रभावी तरीके से निपटना 1 दशक से अधिक समय के दौरान नीतिगत पहलों, पूर्व चेतावनी प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण, पहले से तैयारियां, प्रशिक्षण और क्षमता विकास का सीधा परिणाम है। चक्रवात फोनी के दौरान केवल 64 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जबकि 1999 में आए अकेले ओडिशा सुपर साइक्लोन में लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। दूसरे शब्दों में 1 दशक से थोड़े अधिक समय में हमने होने वाली मौतों की संख्या को हम विगत में होने वाली मौतों की संख्या के 1% से भी कम पर लाने में सफल हुए हैं। हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में लॉन्च हुई थी। भारत के सभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों और 90% जिलों ने अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं को पूरी कर ली है। आपदा प्रबंधन में निजी क्षेत्रों के संसाधन क्षमता की भी उपयोगिता के प्रावधान से इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता को भी सुनिश्चित किया गया है। इससे हम प्रक्रिया संबंधी मुद्दों का निराकरण करने में सफल हुए हैं और राष्ट्र और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिरोधी प्रबंधों में सुधार हुआ है। अब हमने इस राष्ट्रीय योजना में संशोधन करने की भी प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब हम ऐसी संशोधित राष्ट्रीय योजना लेकर आएंगे जिसमें न केवल आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंधित सैंडी फ्रेमवर्क पर बल्कि स्थायी विकास के लक्ष्यों और जलवायु संबंधी करारों पर भी हमने विचार किया हुआ होगा। भारत में हम न केवल मौतों की संख्या को कम करने में सफल रहे हैं बल्कि हम आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संबंधी संगठन की अगुवाई कर रहा है जो बहु आपदा उन्मुखी होगा और इससे हमें संपत्ति और अवसंरचना को होने वाले नुकसानों को कम करने में मदद मिलेगी। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूयॉर्क में यूएन क्लाइमेट समिट के दौरान इस कोएलिशन को लॉन्च किया था। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संबंधी इस वैश्विक संगठन के विकासशील और विकसित देशों, छोटी और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों, अवसंरचना विकास की प्रारंभिक और एडवांस स्टेजों में चलने वाले देशों तथा ऐसे देश जिनको सामान्य और अधिक आपदा का खतरा है,
इनकी चिंताओं का निवारण होगा। संडे फ्रेमवर्क स्थायी विकास के लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन की दिशा में कोई ऐसी ठोस पहल नहीं की गई जिसमें अवसंरचना पर ध्यान दिया गया हो। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर फोकस करने से संडे फ्रेमवर्क के अंतर्गत हानि को कम करने के निर्धारित लक्ष्यों को स्थायी विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा। इससे जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन में भी बहुत सफलता मिलेगी। आपदा प्रबंधन में लगी व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी शुरू किया है। इस पुरस्कार से भारत में आपदा के दौरान कार्रवाई करने वाले लोगों को उनके साहस के लिए सम्मानित किया जाएगा और उनका उत्साह बढ़ाया जाएगा। मित्रों, हम अपनी कुछ सीखे आपके साथ साझा करेंगे और आपके अनुभव और सुविज्ञता का भी हम लाभ उठाएंगे। पिछले कुछ दशकों में हमने आपदा के खतरे से निपटने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी रूप से संयुक्त पहल की है। हमने इंडियन ओशन ड्रीम देशों के लिए सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की है। वस्तुतः इस महीने हमने इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन के आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्य योजना तैयार करने हेतु इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन देशों की एक बैठक आयोजित की है। गुजरात भूकंप 2001 की आपदा के बाद पुनर्वसन के उपायों में अवसर का लाभ के नजरिए से पुनर्निर्माण में दीर्घकालिक जोखिम शमन और क्षमता निर्माण की सोच एक महत्वपूर्ण प्रयोग था। आवास के लिए ऑनर ड्रिवन रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम सबसे पहले गुजरात में लागू किया गया था, जिसे हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद अनेक देशों द्वारा अपनाया गया तथा 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद नेपाल ने भी इसको अपनाया। आज ऑनर ड्रिवन रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आपदा के बाद आवास निर्माण के लिए एक वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मॉडल बन गया है। आपदा राहत में तकनीक के उपयोग करते हुए हमने सितंबर 2014 में जम्मू कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने राहत और पुनर्वसन उपायों की घोषणा के अंतर्गत 2 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को लाभ भोगियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे जिनके मकान में बाढ़ क्षतिग्रस्त हो गए थे। हमने दूसरे प्रभावित देशों में आपदा के समय चलाए जाने वाले अभियानों के लिए अपना राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भेजा है। नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को आए भूकंपों से मकानों, अवसंरचना और सेवाओं का भारी नुकसान हुआ, जिससे देश में 75 जिलों में से 22 जिले प्रभावित हुए। नेशनल प्लानिंग कमीशन नेपाल के अनुसार कुल 8,790 लोगों की मृत्यु हुई और 22,300 लोग घायल हुए तथा 8 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। भारत सरकार ने तत्काल एनडीआरएफ, सेना की टीमें, राहत सामग्री और भारतीय वायुसेना की फ्लाइटें भेजकर भारत एक ऐसा पहला देश था जो भूकंप के 6 घंटे के भीतर नेपाल की सहायता में वहां पहुंचा था। भारत सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में नेपाल को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया। हमने लगभग 380 करोड़ रुपए के मूल्य के लगभग 14,000 मैट्रिक टन राहत सामग्री भी भेजी थी। पुनर्निर्माण और पुनर्वसन के प्रयासों के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की थी। हमने पुनर्निर्माण कार्यों में नेपाल की सहायता करने में वहां पर विशेषज्ञ भेजे और तकनीकी विशेषज्ञों की 5 टीमें भी भेजी थी। हमने सार्क और बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त अभ्यास भी सफलतापूर्वक किया है। हमने साउथ एशिया जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिससे दक्षिण एशियाई देशों में संचार, मौसम की भविष्यवाणी आदि में बहुत सुधार होने की संभावना है। हम एक वैश्विक आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संगठन लॉन्च करने में भागीदार देशों और प्रमुख स्टेक होल्डर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमने 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित की है, पहली जनवरी 2018 में और दूसरी इस वर्ष मार्च में। हम SCO फ्रेमवर्क के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन में सहयोग करने के लिए भी इसी प्रतिबद्धता और जोश के साथ काम करेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि संयुक्त अभ्यास के बाद
हमारे देशों के बीच आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में अधिक संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। ऐसी पहलों से हमें निरंतर एक दूसरे से कुछ सीखेंगे, नए तौर तरीके विकसित होंगे और हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे ताकि हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित विश्व का निर्माण कर सके। मैं सफल अभ्यास के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ में ही मेरे गृह राज्य स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए अगर आपका टाइम परमिट करता है तो आप लोगों को आमंत्रित भी करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोस्ती की भावना के साथ ऐतिहासिक शहर दिल्ली आगरा की सैर करने के लिए भी कुछ समय जरूर निकाले। फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणा के लिए, आपका मार्गदर्शन के लिए। हमारा निवेदन है डीजी एनडीआरएफ श्री एस एन प्रधान से कि कृपया माननीय మా ఛానల్ నుండి వచ్చే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని నొక్కండి।